हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा वारंट की। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। वारंट वो बाध्यकारी, वो फोर्सफुल मेजर है जिसे कोर्ट अप्लाई करती है किसी एक्यूज्ड को या विटनेस को कोर्ट में हाजिर करने के लिए। हाँ दोस्तों, आप वारंट से लोग घबराते हैं, उन्हें जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है वो सोचते हैं मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। तो दोस्तों, वारंट के नेचर को समझना जरूरी है, इसके काइंड्स, इसके प्रकार को समझना भी जरूरी है, ताकि उस वारंट को आप सही मुकाम पर खत्म कर सको। दोस्तों, वारंट इशू करने के पावर कोर्ट को है, और ये सेक्शन 70 से सेक्शन 81 तक ये सारे प्रावधान वारंट के बारे में मेंशन है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। सो दोस्तों, वारंट होने पे और वारंट की तामील होने पे वो शख्स अरेस्ट हो जाता है। सो ये एक तरीके का जो इसके लिए वर्ड यूज किया गया है हमारे सीआरपीसी में, वो है वारंट ऑफ अरेस्ट। सो दोस्तों, अब ये समझना है कि क्या सारे वारंट अरेस्ट में ही तब्दील होंगे? नहीं दोस्तों, वारंट के दो काइंड्स हैं, दो प्रकार हैं। एक बीडब्ल्यू जिसे बोलते हैं बेलेबल वारंट, और दूसरा एनबीडब्ल्यू जिसे बोलते हैं नॉन बेलेबल वारंट। सो बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट में क्या डिफरेंस है? बेलेबल वारंट वो है जिसमें पुलिस का बंदा आपके घर तक पहुंचेगा और आपको वो बेलेबल वारंट की कॉपी देगा। वो ये कहता है कि आपको हाजिर होना है, कोर्ट ने आपके अगेंस्ट बीडब्ल्यू करा हुआ है, इतने तारीख को इतने बजे आप इस कोर्ट में हाजिर हो जाओगे। दोस्तों, ये बेलेबल वारंट है जिसमें अरेस्ट नहीं है, और एनबीडब्ल्यू के साथ नॉन बेलेबल वारंट जिसके वर्ड के साथ ही है, इसका मतलब है कि आप अरेस्ट होगे, उसमें बेल का प्रावधान नहीं है पुलिस के लेवल पे। तो दोस्तों, उस स्थिति में एनबीडब्ल्यू के मामले में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो एक तीसरा जो सर्कमस्टांसेस है कि एनबीडब्ल्यू इशू कोर्ट करती है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन उसमें ऐड कर देती है कि बंदा जो पुलिस का जाएगा वो एक जमानती के फॉर्म भरकर, उनकी जमानत कोई अगर बंदा देने को तैयार है तो उसे वहीं छोड़ देगा। इसे बोलते हैं कंडीशनल वारंट बेल एनबीडब्ल्यू, मींस सब्जेक्ट टू फर्निशिंग अ स्योरिटी। एक स्योरिटी, आप एक जमानती दे दो घर पे, अगर पुलिस जाती है तो आप वहां से फ्री हो जाओगे। पुलिस वाला वो एश्योरेंस लेता है कि अब आप इतने तारीख को इस समय इस कोर्ट में हाजिर हो जाओगे। सो दोस्तों, वारंट बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। वारंट ही वो कोअर्सिव, वो बाध्यकारी प्रावधान है जिसके तहत कोई एक्यूज्ड, कोई विटनेस कोर्ट में आता है अगर अपनी मर्जी से वो नहीं कोर्ट में पहुंचता तब। हाँ दोस्तों, हर बंदा ये सोचता है कि कौन क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा, रहने दो कोर्ट में। कोई भी अपने इच्छा से कोर्ट में नहीं आना चाहता दोस्तों। तो कोर्ट को ये पावर सीआरपीसी के इन सेक्शंस के तहत दी गई है। अब दोस्तों, ये एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया तो वो शख्स के पास कौन जाएगा? क्या कोर्ट का कोई पर्सन जाएगा या पुलिस जाएगी? तो दोस्तों, जनरली वारंट जो है वो असाइंड होते हैं किसी पुलिस पर्सन को जो कंसर्न्ड थाने का है, और अगर सपोज कोई अर्जेंसी है और पुलिस अवेलेबल नहीं है तो कोई कोर्ट का पर्सन या किसी भी पर्सन को कोर्ट अपॉइंट कर सकती है उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दोस्तों, वारंट की वैलिडिटी क्या है, वारंट का फाइनल रूप क्या है, वो कौन से तरीके से खत्म होगा? सो दो तरीके हैं दोस्तों इसमें। एक, या तो वारंट इश्यू होने के बाद वो पर्सन उस वारंट के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है, या फिर उस वारंट के प्रोविजंस के तहत उसने जमानत ले ली, या फिर
ये वारंट कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई गई और कोर्ट ने उस वारंट को कैंसिल कर दिया। हाँ दोस्तों, इसके अलावा सुओ मोटू, जिसे कहते हैं खुद से किसी भी वारंट को अगर कोर्ट इश्यू कर देती है तो खुद से यानी अपने आप कोर्ट उसे खत्म नहीं कर सकती। वारंट के ये दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, आइदर द अरेस्टिंग ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द वारंट हैज बीन इश्यूड और कैंसिलेशन ऑफ द वारंट बाय फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ NBW। जी दोस्तों, और अगर BW हो रखा है और आप उसे एप्लीकेशन के थ्रू नहीं, सिंपल अपनी प्रेजेंस कोर्ट में लाकर आकर आप उसे खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों, वारंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ी लॉ की बात कर लूं कि लीगली वारंट का मतलब है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वारंट इज अ मेजर, अ प्रोसेस जिसके तहत वो शख्स जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसकी स्वतंत्रता खत्म कर ली जाएगी। तो दोस्तों, वारंट इशू होने या वारंट इशू करने का मतलब है किसी की पर्सनल लिबर्टी को खत्म कर देना, उसकी जेल की संभावना बन जाती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि वारंट बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ दोस्तों, वारंट पे जज के साइन बहुत जरूरी हैं। वारंट पे उस व्यक्ति का नाम जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है, उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि उस वारंट के बेसिस पे किसी और व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए। सो दोस्तों, और ये असाइनमेंट किसी ना किसी पुलिस वाले को जाती है कि आप उसे अरेस्ट करोगे। ये NBW है, थाने से वो पुलिस पर्सन जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाता है तो वहां NBW के बेसिस पे, अगर BW है तो सिंपल उसकी सूचना दे दी जाएगी। अगर NBW है तो वो व्यक्ति जब उस शख्स से मिलेगा तो इसकी ड्यूटी है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हुआ है कि वारंट की जो कॉपी है वो दिखाई जाएगी एक्यूज्ड को। हाँ दोस्तों, एक्यूज्ड को सफिशियंट टाइम भी दिया जाना चाहिए। ये नहीं सिर्फ उसको एक ऐसे अपनी कॉपी वारंट की दिखा दीजिए और अरेस्ट कर लिया। ही शुड बी गिवन सफिशियंट टाइम, 5-10 मिनट का, ताकि वो उस वारंट को पढ़ सके, समझ सके कि किस सेक्शन में, किस केस में, किस अदालत ने उसके खिलाफ ये अरेस्ट का ऑर्डर पास किया है। दोस्तों, ये है वारंट की प्रोसीजर। और एक वारंट पूरे थ्रू आउट इंडिया, इसकी वैलिडिटी, अरेस्टिंग के जो ऑर्डर हैं वो थ्रू आउट इंडिया हैं। ये सारे CRPC के क्लॉज बताते हैं। और एक पर्सन अगर इंडिया से बाहर है तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी चेंज हो जाएगी, जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, नॉर्मली एक वारंट का मतलब उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो थ्रू आउट इंडिया, इंडिया में वो शख्स कहीं भी है तो उस वारंट के बेसिस पे अरेस्ट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब मैं बस थोड़ी बात कर लूं कि अगर वो शख्स विद इन उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, सपोज वो कोर्ट दिल्ली में है और वो शख्स भी दिल्ली में रहता है, तो पुलिस दिल्ली के एड्रेस पे उस वारंट के साथ चली जाएगी, उसे अरेस्ट कर लेगी। सपोज उस शख्स ने दिल्ली में केस दर्ज होने के बावजूद वो शख्स कहीं और है, शिमला में है, तो पुलिस की ड्यूटी फिर चेंज हो जाती है। दोस्तों, कोर्ट या तो फिर सुपरिटेंडेंट SP शिमला को, या वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, या वहां के कमिश्नर ऑफ पुलिस को, इनको वो एक लेटर भेजती है उस वारंट और उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई हुई है या उसके अगेंस्ट जो शॉर्ट में जो उस पे जो अलिगेशन है उसकी एक कॉपी भेजी जाती है। हाँ दोस्तों, जब ये बाहर की कार्रवाई होती है तो कुछ स्पेसिफिक होना होता है, उसके खिलाफ अलिगेशन को भी देना होता है। अब ये कॉपी बाय डाक उस कंसर्न शिमला सुपरिटेंडेंट पुलिस को या वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, अब कोर्ट की मर्जी है कि वो किसे भेज रही है, एड्रेस कर रही है वो। अब उनको, उनकी ड्यूटी है कि वो उसे तालीम करें, अब उस बंदे को उस एड्रेस पे जाकर अरेस्ट करना, एक ये तरीका है दोस्तों। बट एक दूसरा तरीका है कि कोर्ट फिर एक पुलिस
के बंदे को जो जिस कोर्ट में ये मामला चल रहा है वहां ये असाइनमेंट देती है कि आप शिमला जाओगे और वहां जाकर उस बंदे को अरेस्ट करोगे। तो दोस्तों वहां उसकी ड्यूटी हो बन जाती है, फिर ये पुलिस इंस्पेक्टर यहां से शिमला जाएगा, वहां वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को कंसल्ट करेगा, या फिर वहां जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके पास जाएगा और वहां से अपने इस वारंट पे एंडोर्समेंट कराना, मतलब उनके साइन होंगे। वहां के लोकल पुलिस ने या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जब उसको एंडोर्स कर दिया तभी उसे पावर होता है कि अब उस नई जगह पे वो उस बंदे को अरेस्ट करे। हाँ दोस्तों, सो ये बहुत ही टेक्निकल चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। अब वो पुलिस वहां एक्टिव हो जाएगी और लोकल पुलिस का हेल्प ले सकती है या नहीं भी उसकी मर्जी होती है, तो लोकल पुलिस को साथ लेकर भी अरेस्ट कर सकती है और ऐसे भी कर सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से वारंट एग्जीक्यूट होते हैं, जो कि वारंट की बात चल रही है तो उसके इंपॉर्टेंस, उसके कंसिक्वेंसेस और उसके एग्जीक्यूशन की भी बात मैंने कर ली। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है वारंट को समझना, क्योंकि एक वारंट इशू होते ही इंसान घबराने लगता है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, तो उस वारंट के नेचर को जाने, उसके प्रावधानों को समझे कि वो वारंट एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या बीडब्ल्यू है, एनबीडब्ल्यू है। चेक बाउंस के केसेस में जितने बेलेबल ऑफेंस हैं, 138 का केस बेलेबल है, इसके अलावा बहुत से बेलेबल ऑफेंस हैं जिसमें बेल राइट है, तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि आप बीडब्ल्यू करो पहले। और नॉर्मली भी किसी केस में बीडब्ल्यू का प्रोविजन है कि बेलेबल वारंट, फिर उसके बाद कोर्ट अगर वो फिर भी नहीं आता तो उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू करते हैं, अगर वो फिर भी नहीं आता तो उसके खिलाफ 82 की प्रोसीडिंग चलती है कि वो उसके घर पे नोटिस पुलिस जाकर वो पेस्ट कर देती है, वो वहां लगा देती है। दोस्तों अगर वो फिर भी नहीं आता तो 83 सेक्शन 83 ऑफ सीआरपीसी अटैचमेंट के ऑर्डर हो जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। मैं 82-83 की प्रोसीडिंग की बात किसी और वीडियो में करूंगा, ये एक फ्लो मैं दिखा रहा हूं कि आगे कैसे बात चलती है, लेकिन वारंट तक की बात मैं करूं तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लूं, सिर्फ 1-2 पेज की एप्लीकेशन होती है, सिंपली ये लिखना होता है कि मैं इस तारीख पे नहीं आ सका क्योंकि मैं नहीं था, मैं कहीं बाहर था, या इस केस की मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैं अपनी उपस्थिति कोर्ट में दर्ज नहीं कर सका। तो ऐसी कोई एक एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन की एप्लीकेशन बनाकर उस पे अपने साइन करें, अगर एडवोकेट करा है तो उनके भी साइन करें, नहीं तो आप अकेले खुद से भी लगा सकते हो, और उस पे एक डेट मिल जाएगी दोस्तों, वो डेट पे आप खड़े होगे और कोर्ट को ये कन्विंस करोगे कि हमारे खिलाफ जो एनबीडब्ल्यू हुए हैं वो ऐसी परिस्थिति में हुए हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं थे और इस कारण से इस वारंट को खत्म कर दिया जाए। तो दोस्तों कोर्ट अगर कन्विंस होती है तो वो विदाउट फाइन आपके ऊपर फाइन भी नहीं करती, हो सके वारंट कैंसिल कर देगी। अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं आपने हैरेस किया है, आप इंटेंशनली नहीं आते रहे, तो कोर्ट 1,000-2,000 रुपए तक के फाइन के साथ वारंट कैंसिल कर देती है दोस्तों। और सपोज आप ये ऐसे केसेस आपके मामले में बहुत ज्यादा है, बहुत बार आपके खिलाफ वारंट इश्यू हुए, आपने कोर्ट को बहुत परेशान करा है दोस्त, तो इस स्थिति में कोर्ट आपको कस्टडी में भी ले लेगी, आपके एप्लीकेशन को खारिज कर देगी कि एनबीडब्ल्यू अलाउ नहीं, एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया जाता, नाउ आप साइड में आ जाओ, कस्टडी में आ जाओ, यहां से कस्टडी ऑर्डर आपके लिए तैयार हो जाएंगे कि अब जेल भेजा जाएगा जी। तो दोस्तों आज मैं कंक्लूजन में ये कहूंगा कि ऐसी परिस्थिति ना आने दें, कोर्ट की डेट्स, उसके जितने भी स्टेजेस हैं उसको फेस करें प्रॉपर तरीके से, अगर आप उपस्थित नहीं होते तो भी आप सही से प्रोसेस में एडवोकेट के थ्रू ये इंफॉर्मेशन कोर्ट तक दें, अदरवाइज वारंट के सिचुएशंस में काफी दिक्कत आ जाएगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात को
खत्म करता हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पहला चैनल है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्ट की प्रैक्टिकल फंक्शनिंग के साथ साथ एजुकेटिव उसकी थियरी उसके सेक्शंस दोनों को कंबाइंड करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। एकेडमिक चैनल्स कुछ हो सकते हैं, कुछ बिल्कुल पढ़ाई वाली बातें करते हैं कि ये है कॉन्स्पिरेसी, ये थेफ्ट, लेकिन दोस्तों हमारे इस चैनल में आप वकालत सीख रहे हैं, आप एक बहुत ही स्ट्रांग सिटीजन बनाने का ये अभियान है कि आप खुद बने अपना वकील, खुद लड़ें अपनी लड़ाई। सो दोस्तों बाय बाय, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।